Welcome back to my YouTube channel Lavesh Academy. In previous lecture, we learned about nth term of an AP, and this is the general formula for n term. Tn is equal to a plus n minus 1 d. In this lecture, we will see sum of first nth terms in an AP. मतलब हमने क्या किया था पहले? Tnth term निकाली थी. In this lecture, we will sum all these terms, मतलब पूरे जितने terms होंगे AP में उनकी sum निकालेंगे. उसके लिए भी एक specific formula हमें derive करना पड़ेगा पहले practice set 3.3 solve करने से पहले. तो चलो एक चीज देखो कि हमारा general arithmetic progression क्या था. First term थी हमारी A, common difference था D. उसी से ही मैं arithmetic progression क्या बना सकता हूँ. फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी, देन ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन. देन जनरल फॉर्मूला ऑफ सम, मतलब हमें सम कैलकुलेट करनी है. तो देखो पहले तो लिखता हूं जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सम ऑफ टर्म के लिए लिखूंगा मैं एस एन. तो एस एन क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ दीज टर्म्स इन गिवन एपी. तो करते हैं एडिशन, ए फर्स्ट टर्म ए प्लस सेकंड टर्म ए प्लस डी, ऐसे डैश 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 प्लस सेकंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड जो लास्ट टर्म n माइनस 2 इंटू डी, एंड वही हमारी लास्ट टर्म क्या बनेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको देता हूं मैं इक्वेशन 1. तो इसी को ही मैं अगर रिवर्स करके लिखूंगा तो देखो रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा? एस एन इज इक्वल टू ये टर्म पहले आ जाएगी, ये टर्म लास्ट में. तो वही सिक्वेंस लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ये टर्म आ जाएगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस डैश 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 ये आ जाएगा फिर a प्लस डी प्लस लास्ट टर्म. इसका रिवर्स करेंगे तो लास्ट टर्म a बचेगा. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो चलो एडिंग 1 एंड 2. तो देखो एस एन यहां भी एल एच एस में, तो एस एन प्लस एस एन 2 एस एन. अगर इसके एडिशन कर दोगे तो क्या देखो, इसकी फर्स्ट टर्म एंड इसकी फर्स्ट टर्म, ए प्लस ए 2 ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, देखो ये आ गया. देन अगेन क्या आ जाएगा? ये सेकंड टर्म देखो, ए प्लस डी एंड ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस ए 2 ए सेम 2 है प्लस यहां एक डी है, यहां एन माइनस 2 है, यहां भी क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 डी प्लस. सिमिलरली आगे जितने भी टर्म्स आप ऐड करते जाओगे यही आपका एडिशन आएगा, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो देखो अब हमें क्या मिला? एसी एडिशन मिल रही है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मिला के. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? nth टाइम्स दिस टर्म. तो लिखता हूं एन इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा तो डिविजन. तो क्या हो जाएगा? एन बाय 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. देखो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ एंथ टर्म्स इन एन एपी. तो देखो हमने क्या किया, एस एन का जनरल फॉर्मूला लिखा, उसको ही रिवर्स कर दिया, उनके एडिशन कर दी, एंड ये एडिशन करके थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे. तो ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आगे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी. और एक बार देख लो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एंथ टर्म्स इन एन एपी. तो इसी को ही मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं. तो देखो एस एन इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा मैं, सेपरेट लिखता हूं थोड़ा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 फॉर्मूला जैसा कि वैसा. 2 ए को कैसे लिख सकता हूं मैं? ए प्लस
ए प्लस बची टर्म्स वैसे की वैसे लिख दूंगा। तो देखो अब ए ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, उसको मैं टी वन लिख सकता हूं। प्लस ये क्या होता है फॉर्मूला किसका होता है टी एन का, जो कि मैंने पहले बताया था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं टी एन। तो फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टी वन प्लस टी एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इन टू ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन। इसको भी नोट डाउन कर लो, देन ऑड एंड इवन टर्म्स के लिए फॉर्मूला देखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे हमारा एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.3। तो हम सेपरेटली ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के लिए टी एन दैट इज nth टर्म का जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एस एन दैट इज सम ऑफ n टर्म, उसका भी जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑड नंबर्स की स्टार्टिंग कैसे होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड अप टू n टर्म। तो देखो a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज टी वन इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1। कॉमन डिफरेंस जो d है हमारा वो क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो कांस्टेंट ही रहेगा इन ऑड नंबर्स दैट इज 2। मतलब a मिल गया d मिल गया हम टी एन निकाल सकते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या था a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो a की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन वैसे का वैसा, d की वैल्यू 2। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 तो 2n माइनस 1। तो टी एन मतलब nth term इन एन ऑड नंबर सीक्वेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा टी एन माइनस 1। ये बनेगा जनरल फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर्स टी एन के लिए। तो देखते हैं एस एन के लिए क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था एक बार रिवाइज कर लो n बाय 2 इन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सिंपल फॉर्मूला है, यहां तक तो टी एन का फॉर्मूला आपको याद था ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सिर्फ एड क्या करना उसमें एन बाय टू इन टू ब्रैकेट टू ए, यहां एस एन के फॉर्मूले में टू ए आता है तो एन पता नहीं है एन बाय टू टू इन टू वन हो जाएगा मतलब टू ए की वैल्यू 1 एन माइनस 1 इन टू डी की वैल्यू 2। तो देखो एन बाय टू इन टू 2 प्लस ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ब्रैकेट में तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 विल बी 0। देन क्या बचेगा सिर्फ n बाय 2 इन टू 2n तो 2 2 विल गेट कैंसल्ड सॉरी डिवाइडेड एंड बचेगा 1। तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में क्या बचा n इन टू एन। तो हमारा फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म इन एन ऑड नंबर्स क्या बनेगा n स्क्वायर। नोट डाउन कर लो एक चीज है टी एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन एंड एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो नोट डाउन कर लो इवन नंबर्स के लिए देखेंगे सेम एज दैट ऑफ ऑड नंबर्स के लिए जैसे बना था सेम इवन नंबर्स के लिए बनाएंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि इवन नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है 2, सीक्वेंस क्या होता है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मतलब ए क्या बनेगा दैट इज फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस क्या बनेगा 4 माइनस 2 2 एंड डिफरेंस जो 2 है हमारा वो फॉर ऑल सीक्वेंस मतलब एक एक ए पी के होल सीक्वेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा डिफरेंस हमारा। तो देखो टी एन बनाते हैं इसके लिए टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। तो ए का फॉर्मूला क्या ए क्या बनाया हमने 2 प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, डी की वैल्यू भी पता है हमें दैट इज क्या हो जाएगा 2 प्लस यह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 विल गेट कैंसल। तो tn बनेगा हमारा 2n। नोट डाउन कर लो tn का फॉर्मूला फॉर इवन नंबर्स। सिमिलरली sn के लिए भी निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स इन सम ऑफ nth टर्म नंबर्स। तो sn का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने n बाय 2 इन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। तो n बाय 2 एज इट इज a की वैल्यू 2 है 2 इंटू 2 4 प्लस एन माइनस 1 इन टू डी की वैल्यू क्या दी है हमें 2, डिफरेंस हमारा 2a n बाय 2 एज इट इज। देखो आगे सिंप्लीफिकेशन करना है हमें 4 प्लस
यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2, यहां ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2, तो n बाय 2 इंटू n बाय 2 इंटू 4 माइनस 2 बचा हमारा 2 प्लस 2n। तो देखो n बाय 2 इंटू 2 प्लस 2n, तो इस ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्या आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस n, उसको मैं n प्लस 1 भी लिख सकता हूं, तो 2 2 विल गेट डिवाइडेड, बचेगा 1, मतलब n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला फॉर इवन नंबर, एस एन फॉर्मूला फॉर इवन नंबर। तो नोट डाउन कर लो, टी एन इज इक्वल टू 2n एंड एस एन इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3, तो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पढ़ के बताता हूं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6, मतलब ए क्या है हमारा 6। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब डी इज इक्वल टू 3, फाइंड एस 27, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स की हमें एडिशन चाहिए, यहां एडिशन चाहिए हमें। तो फॉर्मूला सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखो हियर ए इज इक्वल टू 6 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 3, फाइंड आउट क्या करना है एस 27 टर्म। तो उन्होंने ही सब कुछ गिवन दिया है, तो हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू, फॉर्मूला क्या था एन बाय 2 इंटू 2a, यहां लिख लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह था हमारा फॉर्मूला, लिख लिया फॉर्मूला। देन वैल्यूज पुट करेंगे, s 27 के लिए चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू 27, n की जगह 27 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 27 बाय 2 इंटू ब्रैकेट, देखो 2a 2 इंटू 6 6 मतलब क्या हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 27 माइनस 1 इंटू डी, क्या है हमारा गिवन डिफरेंस दैट इज 3। तो देखो यहां कैलकुलेशन करता हूं, 12 प्लस 27 माइनस 1 क्या आ जाएगा 26 इंटू 3, तो 26 इंटू 3 क्या बनेगा हमारा 78, तो 12 प्लस 78 इसका एडिशन हो जाएगा 90, मतलब इस होल ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 90, तो यहां लिखता हूं 90, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां आ जाएगा 45, यहां वही लिखा नीचे 27 इंटू 45, अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको 1215, मतलब एस 27 सम ऑफ 27 टर्म इन एन गिवन एपी इज 1215। नोट डाउन कर रहे कैलकुलेशन, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1215, नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब 123 फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स की हमें टोटल समेशन चाहिए। तो हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, तो देखो सीक्वेंस क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू क्या आ जाएगा 2n। तो देखो यहां हमारी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, लिखता हूं हियर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 माइनस 2 2 आता है, 6 माइनस 4 2 आता है, जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या बनता है हमारा 2। तो हमें क्या चाहिए s 123, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स चाहिए। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। तो चलो s 123 मतलब s 123 इज इक्वल टू n क्या है हमारा 123 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a, 2 इंटू a, a क्या है हमारा 2, मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1, n क्या है 123 माइनस 1, d क्या है हमारा 2, सिंपली हमें कैलकुलेशन करना है सिर्फ 123 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस ये क्या आ जाएगा 122,
इंटू टू, अगर आप 122 इंटू टू की कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 244, यही लिख देता हूं मैं 244, तो 244 प्लस 4 ये क्या बनेगा 248, 248 यहाँ यही मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा 124, तो बचेगा क्या सिर्फ 123 इंटू 124, 123 इंटू 124 इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 15,252। तो S123 इसकी वैल्यू नोट डाउन कर लो, ये आप कैलकुलेशन होमवर्क में भी क्रॉस चेक कर सकते हो। 123 इंटू 124 क्या बनेगा 15,252। नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है एवरीवन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो देखो, 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उनका समेशन चाहिए। तो पहली बात तो हमें 1 to 350 में कौन से नंबर आ जाते हैं, तो देखो 1 इवन नंबर नहीं है तो कहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, 2, 4, 6, 8 डैश 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 अप टू व्हाट, इसके पीछे पहली इवन नंबर क्या बनेगा हमारा 348। तो देखो इसके नजदीक और इसके अंदर 350 के लेस चाहिए हमें, वो नंबर मिलेगा जो भी जो कि इवन नंबर होना चाहिए वो बनेगा हमारा 348। तो इस सीक्वेंस में हमें टोटल कितने नंबर से फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, पहले एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन मिलेगा तो ही हम एस एन मतलब टोटल सम ऑफ दिस टर्म्स निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे कैसे जाना है आपको, फर्स्ट क्या लिखेंगे, द इवन नंबर्स बिटवीन, लिखता हूं द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर, कौन से नंबर मैंने बताया अभी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू व्हाट 346 एंड 348, यही हमारा लास्ट नंबर बनेगा। तो देखो हमारे पास टी एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डी की डी भी पता कर सकते हैं हम इसी से, तो यहां से हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन का फॉर्मूला, तो देखो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, टी एन पता है हमें क्या है, टी एन 348 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता है फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी पता है इवन नंबर है मतलब डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। तो देखो 2 प्लस 2n माइनस 2 सिंपली हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी, तो 348 प्लस 2 माइनस 2 विल बी गेट कैंसिल, तो देन क्या आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 348। अगर 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा 248 डिवाइड बाय 2, तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 174। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन दिस सीक्वेंस क्या मिलेंगे हमें 174। तो लिखता हूं n इज इक्वल टू 174 मतलब देर आर टोटल 174 टर्म्स इन दिस गिवन सीक्वेंस, मतलब अब हमें सिर्फ 174 टर्म्स की सिंपली एडिशन करनी है, समेशन चाहिए। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू, तो देखो पूरा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हाँ थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखो 2a की जगह क्या लिख सकता हूं a प्लस a, तो a प्लस a, तो a मतलब फर्स्ट टर्म एंड दिस मतलब tn, मतलब मैं फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकता हूं n बाय 2 इंटू ब्रैकेट टी वन प्लस टी एन, ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, तो क्या बनेगा एन बाय टू इंटू ब्रैकेट, देखो फर्स्ट टर्म 1 sorry 2, फर्स्ट टर्म क्या है सिक्वेंस की 2, देन लास्ट टर्म क्या है हमारी 348 एंड एन हमने क्या कैलकुलेट किया एस 174 के लिए 174 हमने एन कैलकुलेट किया था, तो 174 डिवाइडेड बाय 2 ये मिलेगा हमें 87, कर देंगे तो 87 बराबर है 87 इंटू ब्रैकेट, देखो इसकी
एडिशन क्या हो जाएगी, 348 प्लस 2 क्या बनेगा 350। अब क्या करना है, सिर्फ 350 इंटू 87। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 30,450। तो राइट डाउन दिस 30,450। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा सेंटेंस में आपको, सम ऑफ 170 टर्म्स इन एंड दिस गिवन सीक्वेंस इज 30,450। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52, 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो देखो, लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिखता हूं। देखो ए पता है, डी पता है, जो कि हम कॉमनली यूज करते थे, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमें क्या दिया है, टी 19 दिया है, मतलब डायरेक्टली टर्म पता है हमें, 19th टर्म पता है, सम ऑफ टर्म्स नहीं दिया, डायरेक्टली 19th टर्म इज क्या दिया है 52, टी एन की वैल्यू 52 गिवन है। देन टी क्या दिया है, टी 38, टी 38 की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 128। तो हमें इसी से ही हमें कुछ तो जुगाड़ करके एस 56 चाहिए, सम ऑफ 56 टर्म्स। तो देखो इसी से ही ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हैं, हम फॉर्मूला डाल के दो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, टी पहले तो हमें फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो 19 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, टी 19 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस वन, एन क्या है 19 माइनस वन 18 डी। तो टी 19 की वैल्यू क्या है 52, तो मैं लिख सकता हूं 50 ऐसे लिखता हूं मैं, ए प्लस 18 डी इज इक्वल टू 52। इसको दूंगा मैं इक्वेशन 1। तो इससे क्या बन सकता है, टी 38 इज इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1 इन टू डी। तो ए प्लस 38 माइनस 1 37 डी, 38 की वैल्यू क्या है 128। तो क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 38 डी इज इक्वल टू 128। इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम सब्सट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को तो क्या मिलेगा, देखो ऐड 1 एंड 2, तो ए प्लस 18 डी इज इक्वल टू 52। एंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या था, ए प्लस 27 डी इज इक्वल टू 128। तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 18 डी प्लस 38 डी 55 डी इज इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन बनेगी 180। तो इसको देता हूं मैं इक्वेशन 3। तो यही आपको रुक जाना है, क्योंकि इस टर्म का यूज हमें आगे एसएन में होने वाला है। तो आप कहोगे ये हम कैसे चेक करेंगे कि यही हमें रुकना है, तो एक सिंपल चीज याद रख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में एसएन की जो एक्सरसाइज है 3.3 और उस पे बेस्ड जो एग्जांपल है, अगर आपको ऐसे क्यों होगा कि T19 ये है, T38 ये है, तो आपको समेशन डायरेक्टली निकालना है, तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके उनको सिर्फ लिख देना है, यही स्टॉप हो जाना है। देन अगेन कैलकुलेट क्या करना है हमें, सम। तो एस 56 इज इक्वल टू एन बाय टू, मतलब 56 बाय टू इन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1, एन क्या है यहां 56, तो 56 माइनस 1 हो जाएगा 56 माइनस 1 इन टू डी। तो देखो अब आपको पता चलेगा मैंने यहां स्टॉप क्यों कर दिया, 56 बाय 2, 56 बाय 2 क्या आ जाएगा 28, तो लिखो यहाँ 28, एंड यहाँ क्या बनेगा 2a प्लस 56 माइनस 1 55d। तो देखो 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d, मतलब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 180 यहाँ पुट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने आगे का सिंप्लीफिकेशन वही रोक दिया था, वही स्टॉप कर देंगे उसी स्टेप पे,
तो डायरेक्टली 2a प्लस 55d की वैल्यू क्या है 180, तो 28 इंटू 180 की वैल्यू हो जाएगी 5040 एस 56। तो नोट डाउन कर लो ये चीज, आपको सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज इक्वल टू 5040। नोट डाउन दिस, क्या किया हमने, सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2 बनाए बाय गिवन एंड T19 एंड T38 वहां स्टॉप हो गए ऐड करके, क्योंकि यही टर्म का हमने यूज S55 कैलकुलेट करने के लिए किया था। S56 के लिए वही टर्म हमने सब्सटीट्यूट कर दी 180 करके, तो हमारी फाइनल वैल्यू S56 बनेगी 5040। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 1 to 140 के बीच में जितने भी नंबर होंगे जो कि डिविजिबल बाय 4 होंगे उनका हमें सीक्वेंस बनाना है, एंड देन हमें क्या करना है, फाइंड आउट वो सारे टर्म्स की समेशन। तो पहले तो हमें एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब टोटल नंबर्स कितने होंगे दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वही एन यहां सब्स्टिट्यूट करके एस गिवन जो कि भी हमारा एन आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमें मिलेगा सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो सिंपल है, एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो आपके बुक में। तो कह दिया द नंबर्स बिटवीन 1 to 40 डिविजिबल बाय 4, क्या जाएंगे 4 का टेबल सिंपली 4, 8 up to 136 विच इज लेस देन 136 इज द नंबर विच इज लेस देन 140 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो यही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा इस सिक्वेंस के बीच में। तो देखो अब बिटवीन दिया है, आप बोलोगे 140 भी डिवाइड होता है, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन मतलब 1 to 140 के बीच में जितने नंबर होंगे उतने ही हमें अंडर कंसिडरेशन लेना है। तो यहां तक हम स्टॉप हो गए 138। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, मतलब एन कैलकुलेट करना है। ए देखो, ए बनेगा फर्स्ट टर्म 4, डी बनेगा कॉमन डिफरेंस 4, टी एन क्या बनेगा लास्ट टर्म, दैट इज 136। तो पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें एन, तो सिंपली वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे, ए की वैल्यू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो यहां सेपरेटली हमें एन की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो देखो क्योंकि यहां डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी है, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करते पहले 136 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, तो 4 प्लस क्या आ जाएगा, देखो 136 इज इक्वल टू 4 प्लस इसकी सिंप्लीफिकेशन 4n-4 प्लस 4-4 विल गेट 0, देन क्या बचेगा 4n इज इक्वल टू 136, तो n डिवीजन में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 4। तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो कैलकुलेशन करके 3 1 6 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 34। तो नोट डाउन कर लो n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या मिली हमें 34, तो लिखेंगे यहां 34। तो क्या करेंगे अब, दिस 34 नंबर्स के हमें समेशन निकालनी पड़ेगी, तो यस 34 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2, यहां सेपरेटली उसका भी कैलकुलेशन करेंगे अब, एस 34 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a, a क्या है हमें फॉर्मूला में क्या आता है 2a, 2 इंटू 4 दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 34 माइनस 1 33 इंटू d मतलब 4। तो देखो 34 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा 17 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 33 इंटू 4 वो क्या आ जाएगा 132, तो 132 प्लस 8 140, तो 17 इंटू 140 जो भी कैलकुलेशन बनेगा वो क्या बनेगा सम ऑफ दीस नंबर्स इन दैट सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर आएंगे 34 नंबर जो आएंगे इस सीक्वेंस में उनकी समेशन इसकी मल्टीप्लीकेशन बनेगी, तो क्या बनेगी मल्टीप्लीकेशन 2380। आप कैलकुलेशन करके देख लो यही आ जाएगा, क्रॉस चेक कर लो 2380, सिर्फ हमें ये यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
8 प्लस 33 इंटू 4 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या है 2380। तो नोट डाउन कर लो, यही हमारा आंसर बनेगा। एन की वैल्यू 34 एंड सम ऑफ दिस 34 नंबर्स इज इक्वल टू 2380। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300। मतलब गिवन क्या है, मैं लिखता हूं गिवन एस 55, मतलब सम ऑफ 55 टर्म्स इज इक्वल टू पता है हमें दैट इज 3300। ये हमें गिवन है, तो इससे ही हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड 28 टर्म। मतलब हमें T28 निकालना है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड T28 टर्म, मतलब T28, हमें समेशन ऑफ 28 नंबर नहीं निकालना, T28 डायरेक्टली टर्म चाहिए हमें। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो S55 इज इक्वल टू ये वैल्यू भी बने। अगर S55 का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें एक इक्वेशन बनेगा, उसी का यूज करके टू T28 निकाल सकते हैं। तो देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N बाय 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो क्या क्या बना हमें S55, मतलब N क्या बनेगा 55 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 2A, A की वैल्यू पता नहीं है, तो 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमें कुछ भी पता नहीं है इसमें से, सिर्फ S55 पता है। तो S55 क्या बनेगा 3300 प्लस, देखो 2 यहां N की जगह क्या डाल सकते हैं, और एक चीज दैट इज 55, तो वो भी लिखना पड़ेगा 55 बाय 2 प्लस 2A प्लस 55 माइनस 1 दैट इज 54D। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या आ जाएगा 3300 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा A प्लस 27D, A प्लस 27D इज इक्वल, ये 2 बाहर निकल गया, डिवाइड हो जाएगा 2, डिवाइड कर दिया हमने, बचेगा आपका क्या 55। तो देखो बचेगी टर्म 3300 इज इक्वल टू 55 इंटू ब्रैकेट A प्लस 27D। तो 55 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, क्या हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू A प्लस 27D। देखो यहाँ 3300 डिवाइडेड बाय 55, इसका कैलकुलेशन अगर कर दोगे तो मिलेगा कैलकुलेशन 60। तो यहाँ लिखता हूँ 60, A प्लस 27D इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 60। तो इसको देंगे हम इक्वेशन 1। तो यही स्टॉप हो जाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था SN एंड TN जैसे एग्जांपल आ जाएंगे, इक्वेशन बन गया, आगे सिंप्लीफाई मत करो, वही स्टॉप हो जाओ, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो उसी से हम डिराइव करेंगे। तो देखो TN का फॉर्मूला पता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमें T28 चाहिए, तो क्या लिखेंगे T28 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह क्या डालेंगे 28 माइनस 1 इंटू D, 28 माइनस 1 क्या मिलेगा 27, तो A प्लस 27D इज इक्वल टू 28। तो A प्लस 27D की वैल्यू क्या पता है हमें 60, देखो यहां निकाली थी हमने 60, तो T28 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डायरेक्टली 60। तो 28 टर्म ऑफ अ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 60, आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा द 28 टर्म इज 60। लिखो, तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स, और ब्रैकेट में क्या दिया है, अज्यूम दैट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। तो देखो जो ब्रैकेट में दिया है वही सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, लेट हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या गिवन है, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। तो लेट 3
कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, क्या बनेंगे? गिवन है हमें a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, तो उन्हीं की हमें क्या कंडीशन दी है, देयर सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 504, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, उनकी समेशन, तीनों टर्म्स की समेशन हमें दी है 27, मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस ए प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 27। तो देखो क्या बनेगा, a प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 27, प्लस डी माइनस डी विल बी जीरो, देन a प्लस ए प्लस ए, ये क्या बन जाएगा 3a, 3 इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 27, तो 3 मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा डिवीजन में, 27 डिवाइडेड बाय 3, तो a मिलेगा हमें 9, नौत्रिक 27, 9। चलो a की वैल्यू मिल गई हमें, क्या करना है, फाइंड टर्म्स, हाँ मतलब टर्म्स चाहिए हमें, ये तीनों टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a भी पता होना चाहिए एंड d भी पता होना चाहिए, तो पहले तो हमें a की वैल्यू मिल गई, देन सेकंड कंडीशन क्या दिया है उनका, प्रोडक्ट 504, सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट इज a माइनस डी ए एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 504, तो देखो a की वैल्यू पता है तो हमें यहां पुट डाउन करनी पड़ेगी, a माइनस 3 माइनस सॉरी 9 है a की वैल्यू, दैट इज 9 माइनस डी, यहां हो जाएगा 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504, देखो 9 यहाँ है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 9। अगेन इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका, 56, कैलकुलेट करके देख लो 5546, तो 56 इसकी डिवीजन बन गई 56, तो देखो 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी, मतलब क्या हो रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन हम क्या करते हैं, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहां करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 81 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कैलकुलेशन आया था हमारा, 56, 81 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सॉरी 81 स्क्वायर मतलब यहाँ 9 स्क्वायर था, हमने 9 स्क्वायर हो गया 81, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81, 56 माइनस 81 क्या बन जाएगा 25, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस माइनस प्लस, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो डी क्या बनेगा हमारा प्लस माइनस 5, उसका स्क्वायर बने स्क्वायर रूट, देखो 5 का भी स्क्वायर 25 होता है एंड माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, तो डी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे प्लस माइनस 5, तो हमें टोटल 6 वैल्यूज मिलेंगी, देखो क्योंकि 5 डाल के देखेंगे तो 3 वैल्यूज मिलेगी, देन माइनस 5 डालेंगे तो और 3 वैल्यूज मिल जाएंगे हमें, तो फर्स्ट सीक्वेंस लिखते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस, तो देखो a माइनस डी, यहां ब्रैकेट में लिखता हूं a d इज इक्वल टू 5 ले पॉजिटिव में, a माइनस डी 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, देन a दैट इज 9 प्लस सॉरी कॉमा a प्लस डी मतलब 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, ये बनेगा हमारा फर्स्ट सीक्वेंस, देन और एक निकालना पड़ेगा सेकंड सीक्वेंस, तो देखो सेकंड सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस फॉर d इज इक्वल टू माइनस 5, तो d इज इक्वल टू माइनस 5 के लिए क्या बनेगा, a माइनस डी क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस 5, तो 9 माइनस माइनस 5 मतलब 9 प्लस 5 दैट इज 14, कॉमा a की वैल्यू 9, कॉमा a प्लस डी 9 प्लस माइनस d दैट इज 9 माइनस 5 दैट विल बी 9 माइनस 5 4, तो ये दोनों सीक्वेंस बनेंगे हमारे, सीक्वेंस नहीं हमने क्या कहा फाइंड आउट किया सिर्फ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या बने हमारे
4914 मतलब वही चीज बनी हमारी 4914 आर द थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर्स. नोट डाउन दिस. तो सॉल्व करते हैं सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8. फाइंड फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन एन एपी हूज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. मतलब चारों कॉन्जुगेटिव टर्म्स की पहले समेशन क्या है 12, देन थर्ड एंड फोर्थ की समेशन तो ओनली क्या है 14. तो एज दैट ऑफ सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम हमें क्या करना पड़ेगा, चार कॉन्जुगेटिव टर्म्स अज्यूम करनी पड़ेंगी. तो पहले लेट a माइनस डी a a प्लस डी एंड a प्लस 2d आर फोर कॉन्जुगेटिव नंबर्स. तो बन गई हमारी चार. एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल हमने यहां भी सेम ही कर दिया, चार कॉन्जुगेटिव नंबर्स कंसिडर किए. कौन कौन सी, a माइनस डी a a प्लस डी एंड a प्लस 2d. तो फर्स्ट कंडीशन क्या रही है, तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ ऑल कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज 12. मतलब इन चारों की एडिशन 12 आ रही है. तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. तो एडिशन कर लो, प्लस d माइनस d विल बी 0. देन क्या बचा हमारे पास, a a a a चार बार a, मतलब 4a, उनके एडिशन 4a. और बचेगा क्या है नीचे, प्लस 2d. देखो a a a a सारी टर्म्स हो गई, बचा क्या सिर्फ 2a इज इक्वल टू 12. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2a प्लस d इज इक्वल टू 16. ये बनेगा इक्वेशन 1. हमने क्या किया, सिर्फ यहां लिखता हूं डिवाइडेड बाय 2, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लो, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. ये बना हमारा इक्वेशन 1. तो सेकंड कंडीशन क्या दी है, लिखते हैं सेकंड कंडीशन, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14. मतलब थर्ड टर्म क्या है हमारी a प्लस d, फोर्थ टर्म क्या है प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 14. a प्लस a 2a, 2a प्लस d 2d प्लस d 3d इज इक्वल टू 14. ये बना हमारी इक्वेशन 2. तो हमें पहले तो a और d की वैल्यू चाहिए, मतलब वही फाइंड आउट करना है फिर भी, क्योंकि उसी से ही हम फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो a और d मिलेगा तो दूसरी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2a इलिमिनेट हो जाएगा, 2a इलिमिनेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें d की वैल्यू मिल जाएगी. तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो इक्वेशन 2 क्या है वो ऊपर लिखना है हमें, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14. देन माइनस क्या हो जाएगा, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. तो यहां साइन अल्टरनेट हो जाएंगे, 3d माइनस d 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 क्या आ जाएगा 8. तो 2d इज इक्वल टू 8, 2d यहां लिखता हूं, 2d इज इक्वल टू 8. तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में आ जाएगा, तो 8 बाय 2 दैट इज 4. तो नोट डाउन कर लो, d की वैल्यू हमें मिली 4. तो d की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमें अल्टीमेटली a की वैल्यू मिल जाएगी. तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6. तो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट विल बी 2. तो a की वैल्यू बनेगी हमारी 1. तो यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में वहां जाएगा डिवीजन में, दैट इज 2 बाय 2. तो a की वैल्यू बनी हमारी 1. तो अब 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होंगे हमारे, यही वैल्यूज हमारी आगे हम राइट डाउन करेंगे एंड a एंड d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स मिल जाएंगे. तो 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स विल बी, तो देखो a माइनस d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3. देन a
सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म क्या थी, ए, ए की वैल्यू 1, मतलब 1, देन ए प्लस डी दैट विल बी 1 प्लस 4 दैट इज 5, देन ए प्लस 2 डी क्या बनेगा 4 इंटू 2 डी 2 डी मतलब 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस 3 1 5 एंड 9 आर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच वी हैव टू कैलकुलेट, तो नोट डाउन दिस, दिस इज द आंसर माइनस 3 1 5 9, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो उससे पहले एक चीज नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन 1 दैट इज एक्टिविटी थी 5 6 7 8 9, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार एग्जाम में जाने से पहले। तो 1 5 6 1 5 6 7 8 9 नोट डाउन कर लो ये। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या दिया है, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो पहली बात क्या दिया है हमें T9 इज इक्वल टू दिया है हमें 0, तो पहले तो Tn का फॉर्मूला क्या था हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो T9 की वैल्यू 0 है तो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 डी, क्या क्या हमने सिर्फ n की जगह 9 डाल दिया T9 के लिए, तो Tn की वैल्यू पता है हमें T9 की वैल्यू 0, तो पुट कर देंगे 0, तो क्या बचा a प्लस 9 माइनस 1 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, ये बना हमारा इक्वेशन। तो 8d क्या मिला हमें a इज इक्वल टू माइनस 8d, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की माइनस 8d, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है, शो करना है, प्रूव दैट। तो देखो एक मिनट पेन चेंज करता हूं, हाँ, तो T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो पहले T19 इज इक्वल टू क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1d, n क्या है हमारा 19 माइनस 1 इंटू d, तो T19 इज इक्वल टू क्या बचा a प्लस 19 माइनस 1 18d, a की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी दैट इज माइनस 8d, तो a की जगह पुट करेंगे माइनस 8d प्लस 18d, तो माइनस 8 प्लस 18 क्या आ जाएगा 10d, तो नोट डाउन कर लो T19 की वैल्यू मिली हमें 10d। देन नेक्स्ट T19 के लिए देखते हैं, चलो T29 के लिए, T29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा 29 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 29 माइनस 1 28d, अगेन a की वैल्यू क्या मिली थी माइनस 8d, यह भी पुट कर देंगे माइनस 8d प्लस 28d, तो क्या मिला माइनस 8 प्लस 28 20d, T29 मिला हमें 20d, तो अल्टीमेटली देखो 20d का मतलब क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10d, एंड 10d की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, 10d की वैल्यू क्या है T19, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, क्या क्या सिर्फ मैंने 10d की जगह T19 पुट कर दिया, T19 फ्रॉम इक्वेशन 2, नोट डाउन कर लो T19 इज इक्वल टू 2 इंटू T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, वही हमें प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर दिया, क्या क्या सिर्फ हमने a की वैल्यू कैलकुलेट की देन T19 बाय इक्वेशन सॉल्व किया, वही हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया 2 इंटू 10d की वैल्यू T19 थी, तो T29 इज इक्वल टू ट्वाइस द T19, तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्या करेंगे,
इसके अप्लाइड प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।